अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। देखें हमारे यहाँ गमले वगैरह रखे हुए हैं रोज़ की रूटीन की तरह। ये देखें पानी डाला है अभी इसमें, और देखें पौधे हमारे कैसे ग्रो कर रहे हैं। इसी तरह से आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि इसी तरह से मेरे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरा चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बताएं कि हमारी वीडियो आप सबको कैसी लग रही है। और सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे चले गए हैं काम पर, बस अभी देखें सब सुनसान हो रहा है, सब दुनिया खिड़की में से देखें सब कैसा दिख रहा है। यहाँ से सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं, काम पे जाने वाले काम पे चले गए हैं, और हमने पानी वगैरह डाला है बिन में। बस अभी ये देखें बादल बादल हो रहे हैं, और ये बादल हो रहे हैं अभी देखें, अल्लाह करे आज बारिश हो जाए, नहीं तो हमारे यहाँ अभी बारिश नहीं हुई है कराची में। पंजाब में तो हुई है खूब बारिश, लेकिन यहाँ बारिश नहीं हुई है। अभी उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला अपनी रहमत के बरसात बरसाएंगे और हमें भी खुशियाँ नसीब करेंगे, और आप लोगों की सपोर्ट से हमारा चैनल भी ग्रो करेगा और अच्छा चलेगा। जो भी रूटीन में होगा आपके साथ शेयर करेंगे, मुझे भी लगे कि हाँ मेरे यूट्यूब फैमिली मेरे मुझे सपोर्ट कर रही है। और घूमने जा रहे हैं, मैं सबके व्लॉग देखती हूँ, कोई नारान कागान वगैरह जा रहे हैं घूमने वगैरह, तो अच्छा लगता है देख के कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसी तौफीक देगा कि हम भी जाएँ कहीं घूमने वगैरह जा सकें, और बच्चों के पास भी मतलब टाइम नहीं है बच्चों के पास, नहीं तो कोई मसला नहीं है, घूमने भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि बहुत अच्छा शुक्र है अल्लाह का कि बहुत अच्छा अल्लाह हमें दे रहा है कि लोगों के घर में तो बेचारों क्या दो टाइम की रोटी नहीं होती है, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। देखें अभी हमारे बर्तन वगैरह पड़े हैं, अभी बच्चियों ने नाश्ता वाश्ता किया है, अभी बर्तन वगैरह धोएंगे, पानी वगैरह बोतलें वगैरह भर के रखेंगे फ्रिज में, और सब देखें इसी तरह से रखा है। मैंने ये कल सेटिंग करी थी यहाँ पे, ये देखें मशीन वगैरह यहाँ रखी थी और ये यहाँ रख दिया। फिर मैंने प्याज का स्टैंड, आलू प्याज का स्टैंड वगैरह यहाँ रख दिया था। ये देखें यहाँ की विंडो कितनी अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है, हरी भरी। मुझे बहुत शौक़ है कि मैं भी पौधे वगैरह रखूं, लेकिन वही है कि कहाँ रखें, यहाँ जगह नहीं है। फिर पौधे अच्छे अच्छे गुलाब के मोतिये के लेके आई थी, लेकिन वो धूप ना मिलने की वजह से ख़राब हो गए, सर्दियों में लेके आई थी मैं, वो ख़राब हो गए, और ज़ाहिर है धूप नहीं मिलेगी तो पौधे ख़राब होंगे, और यहाँ पे रखने की जगह भी नहीं है हमारे फ्लैट में। यहाँ छोटा सा फ्लैट है, ये छोटी सी दो हमारी विंडो हैं जिसके अंदर हमने ये बेल मनी प्लांट वगैरह लगाया हुआ है, और ये देखें बस जो भी रूटीन में होगा आपके साथ शेयर करेंगे। बस देखें 10 बजने वाले हैं, ये हमारी अभी यहाँ शहर में तो यहाँ पे सुबह हुई है, समझ लें अभी भी सुबह नहीं, किन लोगों की तो अभी सुबह नहीं हुई है और कई लोगों की सुबह हो चुकी है। ये देखें हमारी सूजी यहाँ गेट में सो रही है, इसको ज़्यादा वो लग रही है। ये देखें ये देखें ये चीख रहा था कि मुझे निकालें बाहर, मैं पानी आने पीऊँ, चलो जाओ यहाँ से जाओ, चलो तंग नहीं करना। ये बहुत तंग करने लग गया हमें, और ये देखें बस बोर होते रहते हैं और कुछ नहीं है, और बेटी की शादी वगैरह करनी है तो उसके सिलसिले में भी लगे हुए हैं कि बस
आप दुआ कीजिएगा कि बस मेरी बेटी की अच्छी सी जगह शादी हो जाए, वो अपने घर की हो जाए, कुल जहान की बेटियों के सदके मेरी बेटियों की भी शादी हो जाए, वो अपने घरों की हो जाए, और अल्लाह पाक सब बच्चों के नसीब अच्छे करे, बेटा बेटियों के सबके नसीब अच्छे करे अल्लाह पाक, और जहाँ भी रहें सब खुश रहें हमेशा, और परेशानी है मुश्किलें तो सबके सबके घरों में होती हैं, सबके घरों में आती हैं, अल्लाह ताला अपने ही बंदों को आजमाता है और वही परेशानियां दूर भी करता है, और बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं सब खैरियत हो, सब सही हो, ठीक हो। तो जैसा भी रूटीन में होगा आपके साथ शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए, ये आप सबका प्यार होता है हमारे लिए। अभी जो है हम कपड़े उतारने जा रहे हैं, और ये देखें हमारी मानो किसी बदमाशी कर रही हैं या सोफ़ों पे कूद रही हैं। ये इमरा लाते ही ये स्टॉप हो जाती हैं, कुछ भी नहीं खेलती। अभी जो है हम कपड़े उतारने आए हैं बाहर। ये मानो है जिसका हमने सबसे पहले खाना देना शुरू किया था, इसको दिया था तो और भी बिल्लियाँ लाने लग गया अपने साथ, और अब देते हैं ना तो खुद नहीं खाता, हमको खिला देता और बाद में भी खाता है। अब देखो उनकी हड्डी खा रहा है। ये गेट में हमारी मानो चिपक चिपक के बैठती हैं, जिस वजह से ना ये बीमार हो जाती हैं। हमारी सूजी और बिलेगी भी ऐसे बीमार हुए थे तो उनको ना हमने फिर वैक्सीन लगवाई थी। कल मशीन लगाई थी तो कपड़े आज सूख गए, तो हम कपड़े ले आए हैं बाहर से उतार कर, अब इनको तेल लगाएंगे। आज जो है हमारे यहाँ फ्राई अरबी बन रही है तो ये छील रहे हैं बैठ के। अभी जो है हम दोपहर की रोटी बना रहे हैं, क्योंकि हमने सुबह में देर से खाया था ना, नाश्ता किया था, तो अभी 5 बजे का टाइम हो रहा है तो अब भूख लग रही थी, तो मेरी आप ही जो है वो रोटी बना रही हैं। आज जो है ना वो मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, खैर कैमरे में ऐसा लग रहा है जैसे ना धूप धूप सी हो रही है, पर धूप बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। हल्की हल्की हवा भी चल रही है आज ना। यहाँ हमारी अरबियाँ पड़ी हुई हैं, इसको हमने छील लिया है और अभी ये कटिंग होंगी, सूखने के बाद कटिंग होंगी। रोटी बन जाए तो फिर हम फटाफट खाना खाते हैं, और खाना खा के फिर रात के खाने की भी तैयारी करनी है। अभी मैं शाम का खाना बना रही हूँ तो आज बन रही है हमारे घर में अरबी। मैंने तेल में ज़ीरा डाल दिया, अब ये ज़ीरा बन जाए। ये अरबी मैंने काट ली थी छील के धो के, और अब ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अभी 5 मिनट तक ना मैं पहले इसको तेल में फ्राई करूँगी। मैंने इसको 5 मिनट भून लिया, अब मैं इसके अंदर डालूँगी कुटी हुई मिर्चें, 1 चम्मच डाली है मैंने कुटी हुई मिर्चें, और पिसी हुई मिर्चें डालेंगी 1.5 चम्मच।
नमक इसमें डालेगा एक चम्मच, और थोड़ी सी हल्दी। और अब इसको ना अच्छे से मिक्स करके तवे पे चढ़ा देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे, क्योंकि हम बिल्कुल फ्राई बना रहे हैं। और अभी इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डलेगा, नहीं तो लेस हो जाएगी। हमने सिर्फ फ्राई बनाई है अरबी ज़ीरे वाली, बस इसको भून लो ना, फिर तवे पे चढ़ा दूँगी ताकि ये जले ना। मैंने इसको 5 मिनट अच्छे से भून लिया है मसाले में, और अब मैं इसे बस बंद कर दूँगा और तवे पे चढ़ा दूँगी। पहले हम नीचे तवा रख लें हांडी के, ये मैंने रख दिया तवा और ये मैंने रख दी हांडी इस पर, और आँच बिल्कुल हल्की अभी भी की हुई है ताकि जले ना। अभी मैं शाम का बिल्लियों का चिकन कर रही हूँ। एक बिल्ली आलू खाती है तो उसके लिए ये रहा आलू, और एक बिल्ली को ये चिकन दूंगी, और बाकी बिल्लियाँ खा चुकी हैं। मेरे को याद आया कि मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूं, तो तभी अब दूसरी बिल्ली को देने जा रही थी तो मैंने बोला वीडियो बना लूं थोड़ी सी। अभी ये मैं कर लूं, फिर इनको खाना दे दूँगी, फिर शाम की रोटियाँ बनाऊँगी, सालन भी हमारा चढ़ा हुआ है। अभी हो गया चिकन, और ये जो इसमें यखनी बची है ना, ये हम बाहर वाली बिल्लियाँ बैठी हुई होती हैं ना, उनको दे देते हैं, और हड्डी भी वही तो शौक से खाती हैं। न्यू चादर भी बिछा दी है हमने यहाँ गद्दे पे, और ये सारी हमारी केट भी क्या कहते हैं ना यहाँ आ गई थी कि क्या हुआ है देखूँ, और यहाँ विंडो से ही आई होगी ये छुपकली। ये हम खोलते हैं ना कभी, अगर हम बारीक जाल यहाँ लगाते तो ये आती हुई, अभी मोटे खानों वाली लगाई है ना जाली, तभी आ गई है विंडो में से। और अभी अम्मी यहाँ पे नमाज पढ़ने जा रही हैं, और हमारा खाना भी बन गया है, और दूध भी अभी बॉईल किया है हमने येरा दूध, और यहाँ पे बिल्लियों का चिकन भी चढ़ा दिया है हमने, और सालन तो आपको दिखाया है, सालन भी बन गया है हमारा, रोटी भी बना ली है। बस अब जल्दी से खाना वाना खाएंगे, और नमाज़ तो अभी हम पढ़ लें तो फिर खाना खाएंगे, उसके बाद ही अम्मी व्लॉग का एंड करेंगे। और अभी मैं ब्लैक ही दिखाती हूँ, ब्लैक ही हर वक्त जो है ना यहाँ बैठा रहता है, यहाँ की लाइट ऑन करती हूँ पहले। ये देखें, ये है ना ब्लैक ही यहीं पे ये बैठा रहता है, और ना ये सुनता भी नहीं है किसी का कहना, अभी देख रहा है कि मेरी वीडियो बन रही है, और ये अकेला बैठा है। आज पानी वाला भी आएगा, एक बोतल तो ये हमारी पूरी खाली है, और ये एक बोतल में अभी भी थोड़ा सा ना पानी बाकी है, और एक बोतल फुल है, तो ये बस दो बोतलें ही लेंगे हम। इसे भी थोड़ा सा जो पानी है ना इसे भी खाली कर लेंगे कूलर में, तो दो बोतलें आज हमने लेनी है उससे पानी वाले से, और ये 10 बजे ही आता है या 10:30 बजे। और अभी टाइम हो रहा है, टाइम आपके सामने है, देखें अभी हो रहे हैं 9:30 हो रहे हैं अभी देखें, और ये आएगा 10:30 बजे। इन लोगों ने ना ये स्टैंड में घुस के स्टैंड में ना खेलते हैं ये लोग घुस के, तो ये इन्होंने स्टैंड ही तोड़ दिया, अब जब टाइम मिलेगा तभी हम इसे जोड़ेंगे। ये देखें अभी ये सब यहाँ आके बैठते रहेंगे लाइन से जब तक पानी वाला नहीं आएगा। पानी मैं लेती हूँ बोतलें, और ये ऐसा लगता है ये लोग इन लोगों ने लेना है तो ये लोग खड़े हो जाते हैं आके पानी लेने के लिए। अभी मैं यहाँ की वापसी से लाइट बंद कर रही हूँ, वैसे भी बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बिजली के हमारे यहाँ तो, हालांकि एक ही कमरे का पूरा दिन जो है ना पंखा और बल्ब जलता है, बाकी मगरिब के बाद एक दो लाइट है मगरिब के बाद जलती है।
हमारी वीडियो यहीं तक थी। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और हमारी वीडियो को पूरा वॉच करा करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।